अकाल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर शहर में शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया गया। नागपुर में मुख्य बाजारों को शनिवार और रविवार को बंद रखा गया था, बाकी 5 दिन 50% की क्षमता में बाजार खुल सकते हैं। महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना वायरस की प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागपुर जिले के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। प्रशासन ने जिले में स्कूल और कॉलेज 7 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। साप्ताहिक बाजारों को भी 7 मार्च तक बंद रखा जाएगा। महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। ताजा गाइडलाइन के मुताबिक नागपुर में मुख्य बाजारों को शनिवार और रविवार बंद रखा जाएगा। वहीं शादियों के लिए बुक होने वाले मंडप और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी 7 मार्च तक पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को कार्यक्रमों पर भी फैसले लेने के लिए 25 फरवरी तक समय दिया जा रहा और प्रशासन को आदेश दिया है कि वो 25 फरवरी तक कार्यक्रम को लगाने वाली जानकारी लोगों तक पहुंचा दे।